Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की कुर्सी एलन मस्क के हाथ से जा चुकी है। वैसे हाल के समय में जिस तरह से टेस्ला के शेयरों में गिरावट देखी जा रही थी, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मस्क की दौलत में भी बड़ा फेरबदल होगा, जिस कारण कयास लगाए जाने लगे थे कि बहुत जल्द एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी की कुर्सी गंवा सकते हैं। और अब ये बात फाइनली सच हो चुकी है। फोर्ब्स रियल टाइम मिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार फ्रेंच कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ट अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन चुके हैं। एलन मस्क की कुल दौलत 204.7 बिलियन डॉलर रह गई है, जिसके साथ ही वे अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ट, उनकी दौलत 207.6 बिलियन डॉलर हो गई है और वे अब दुनिया के सबसे पहले नंबर के अमीर इंसान है। बर्नार्ड अर्नोल्ट की दौलत एलन मस्क से करीब 3 बिलियन डॉलर ज्यादा हो चुकी है। हालांकि इस फेरबदल का खेल बाजार की चाल पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अमीरों की कुर्सी का ये खेल फिर एक बार पलट जाए, लेकिन फिलहाल तो मस्क अपनी इसी कुर्सी को गवा बैठे हैं। लेकिन मस्क के साथ ये खेल हुआ कैसे, चलिए अब वो समझते हैं। दरअसल एलन मस्क के पिछड़ने का कारण टेस्ला के शेयरों में आई भारी गिरावट है। बीते एक महीने में टेस्ला के शेयरों में करीब 28% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से टेस्ला की वैल्यूएशन में 200 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस दौरान मस्क की नेटवर्थ में भी करीब 40 बिलियन डॉलर की गिरावट आई, यानी मार्केट में कंपनी के शेयरों में आई गिरावट का असर एलन मस्क की कुल दौलत में भी देखा गया। यही कारण है कि वो पहले पायदान से खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गए। इस बात की जानकारी खुद फोर्ब्स ने एक्स पर ट्वीट करके दी है, जिसमें फोर्ब्स ने लिखा, बर्नार्ड अर्नोल्ट ओवरटेक्स एलन मस्क एज रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। चलिए अब दुनिया के टॉप 10 अमीर शख्स की बात भी कर ले रहे हैं। पहले पायदान पर 207.6 बिलियन डॉलर के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट आते हैं। 204.7 बिलियन डॉलर के साथ एलन मस्क दूसरे नंबर पर हैं। 181.3 बिलियन डॉलर के साथ जेफ बेजोस तीसरे पायदान पर हैं। 142.2 बिलियन डॉलर के साथ लैरी एलिसन चौथे पायदान पर हैं। 139.1 बिलियन डॉलर के साथ मार्क ज़करबर्ग पांचवें नंबर पर हैं। 127.2 बिलियन डॉलर के साथ वॉरेन बफेट छठे पायदान पर हैं। 127.1 बिलियन डॉलर के साथ लैरी पेज सातवें पायदान पर हैं। 122.9 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स आठवें नंबर पर हैं। 121.7 बिलियन डॉलर के साथ सर की ब्राइन नौवें नंबर पर हैं और 118.8 बिलियन डॉलर के साथ स्टीव वल्मर दसवें पायदान पर काबिज हैं। ये तो बात हुई दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। अब बात भारत और एशिया के सबसे अमीर लोगों की, यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की। हालांकि टॉप 10 लोगों में अंबानी और अडानी दोनों ही बीते समय में शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल दोनों का ही नाम टॉप 10 अमीरों में नहीं आता। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी कुल दौलत के मामले में 104.4 अरब डॉलर के साथ 11वें नंबर पर हैं, यानी टॉप 10 से मात्र एक नंबर पीछे। वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी की कुल दौलत 75.7 अरब डॉलर पर है और गौतम अडानी 16वें पायदान पर है। बीते कुछ समय से अंबानी और अडानी की नेटवर्थ में तेजी देखने को मिली है। खास बात यह है कि चीन का कोई भी बिलीनियर टॉप 20 तक में भी शामिल नहीं है। चीन के जोंग शेनशेन 61.3 अरब डॉलर के साथ दुनिया के 22वें सबसे अमीर कारोबारी हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो भारत और एशिया के सबसे अमीर कारोबारियों में भारत के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का ही नाम आता है।